ऐसा झूठ चलाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देश और संविधान के नाम पर ऐसे ही हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी फ्लॉप फिल्म रिलीज की है। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा, कांग्रेस के असली इरादे, देश को उसकी भनक लग गई। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, कभी थाली बजवाएंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट जलवाएंगे। ये जो चुनाव है ये आम चुनाव नहीं है। पहले जैसे चुनाव होते थे वैसा चुनाव नहीं है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक पार्टी और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी की पहचान रही है, इन्हें जब कोई बड़ा कुकृत्य करना होता है तो ये देश और संविधान के नाम पर ऐसे ही हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ चू 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 करना शुरू कर देते हैं। 70 के दशक में ऐसे ही नारे लगाकर कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया था, देश को जेल खाना बना दिया था, देश के लाखों लोकतंत्र प्रेमी लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया था, अखबारों को ताले लगा दिए गए थे, अगर कोई बोले तो जेल जाने का डर लगता था। फिर से इन दिनों एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी फ्लॉप फिल्म रिलीज की है। कांग्रेस की फिल्म में दो डायलॉग है, वो सारे लोग ऊपर से नीचे गुनगुना रहे हैं। दो डायलॉग गुनगुना रहे हैं। पहला डायलॉग है, मोदी जीत जाएगा तो तानाशाही आ जाएगी। आप इससे सहमत है क्या? सहमत है क्या? फिर भी उनकी फ्लॉप फिल्म चलती रहती है। दूसरा, मोदी जीत जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा। ऐसा झूठ चलाते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे ही कांग्रेस की इस फिल्म का ट्रेलर उनके घोषणा पत्र में दिखाई दिया, लोगों ने पढ़कर के निकाला तो ये कांग्रेस का असली चेहरा, कांग्रेस के असली इरादे और पर्दे के पीछे कांग्रेस का हिडन एजेंडा क्या है, देश को उसकी भनक लग गई। देश के कान खड़े हो गए, देश चौंक गया और अब तो एक एक करके इनकी सारी सच्चाई देश के सामने आने लगी है।